subscribe the mobile safe videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो द मोबाइल सेफ की वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस को अपने आप वेबसाइट पे कैसे सेट कर सकते हो। और यह तो सबको ही पता है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा आता है तो आप गूगल एडसेंस से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस को कैसे सेटअप कर सकते हो और अपनी एड शो कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। ये मेरी एक वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ पर एक गूगल की एडसेंस लगा रखी है और एक यहाँ पर लगा रखी है। तो मैं यहाँ पर इस स्पेस के बीच में आपको एक गूगल की एडसेंस लगा के दिखाऊंगा कि आप गूगल की एड कैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पर और आपके पास होना चाहिए गूगल का वेरीफाइड अकाउंट। तो ये मेरा गूगल का वेरीफाइड अकाउंट है, काफ़ी साल पुराना। और यहाँ पर सबसे पहले आना है आपको साइट्स के ऊपर। अगर आपकी वेबसाइट सबमिट नहीं है तो आपको यहाँ पर आना है सबसे पहले। ये मेरी वेबसाइट है तो इसको मैं लिंक चेप रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आए, ये मेरी ऑलरेडी दो वेबसाइट हैं, ये भी इसके ऊपर भी अप्रूव्ड है और इसके ऊपर भी। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट कर दें और नेक्स्ट दबा दें। इसके बाद ये गूगल का एक कोड देगा आपको और ये आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना और यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद ये ऐड आपको अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके पेस्ट करना है। इतना तो आपको पता ही होगा कि हेडर सेक्शन कहाँ से कहाँ पर होता है। तो मान लो कि हमारी वेबसाइट सबमिट हो चुकी है और हमने गूगल की एडसेंस वेबसाइट के ऊपर ले ली है। आपको मैं बता दूं, गूगल की एडसेंस लेने के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर अराउंड 20-25 ब्लॉग होने चाहिए और उसके साथ ही अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ यूज, ये चार पेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना गूगल अप्रूव नहीं करता, चाहे आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना भी अच्छा कॉन्टेंट क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा रेक्टेंगुलर एड। तो ये रेक्टेंगुलर एड है और एक ये है, मैं ऐसी कोई एक एड यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ऐड लगाने के लिए हम जाएंगे ऐड सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपकी वेबसाइट दिख जाएंगी, ये ऑटो ऑफ कर रखा है मैंने। यहाँ पे आएँ बाय ऐड यूनिट में, तो मुझे डिस्प्ले ऐड लगाना है। तो डिस्प्ले ऐड लगाना है तो मुझे उसके लिए मैं कोड लूँगा एक, और ये मुझे एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप कोड चाहिए। तो मैं आ रहा हूँ कि मुझे कोड चाहिए फिक्स्ड। अब यहाँ पे मेरे को किस साइज की ऐड चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 300x300 की ऐड मेरी वेबसाइट के ऊपर से हो इस सेक्शन में। तो ये एक ऐसी ऐड कोई भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है 300x300, उसके साथ ही ऐड का नाम दें टेस्टिंग और यहाँ पे क्रिएट दबा दें। उसके साथ ही ये एक ऐड का कोड आ गया है, इसको हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ से भी डन कर देना है। अब हम मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, तो इसका मैं एलिमेंटर सेक्शन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरा कोड का बॉक्स मैंने जनरेट कर लिया है और मैं अपना कोड यहाँ पे लगाऊंगा इसके अंदर। तो मैं अपना कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं कोड सेक्शन यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे हमारी ऐड आ जाएगी। तो इसके बाद मैं अब इसको अपडेट कर देता हूँ। ऐड जब आप वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम ऐड करते हो तो अराउंड 1 आवर तक का टाइम ले लेती है। और फर्स्ट टाइम भी कोई भी ऐड अगर आप अपडेट करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर या कोई भी लगाते हो ऐड, तो वो 1 घंटे तक ले लेती है। अगर वो पुराना कोड आप उठा के लगा रहे हो तो आप तुरंत आपकी ऐड से हो जाती है। मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की तो देख सकते हैं कि एक ऐड यहाँ पे है, एक ऐड यहाँ पे है और एक ऐड हमने लगा दी। इसको मैं सेंटर में करता हूँ कि सेंटर में कैसे करेंगे किसी ऐड को। यहाँ पे टाइप करना है CENTER, बंद कर दें और इसके साथ ही यहाँ से सेंटर में और यहाँ पे अपडेट कर दें इसको। तो मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे होम पेज रिफ्रेश किया है तो देख सकते हैं कि एक ऐड यहाँ पे आ रही है और एक ऐड यहाँ पे, और देख सकते हैं कि एक ऐड हमने दोनों के बीच में लगा दी और ये सेंटर में आ रही है। अगर कोई भी ऐड अगर आपको सेंटर में शो करनी होती है तो उसके लिए आप टाइप करें एक कोड सेंटर, तो ऐड ऑटोमेटिक HTML का यूज़ करके वो सेंटर में आ जाएगी अपने व्यू के हिसाब से। तो मैंने ऐड लगा दी यहाँ पे, देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसके साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ।